Hello, hello, welcome back to my channel. I'm Priya Mehta from Nairobi and I'm back with the full energy. आज मैं बात करूंगी लॉ ऑफ डिटैचमेंट. आप सब लोग मुझे मैसेज करते हो कि डिटैचमेंट बोल देते हो कि आप डिटैच रहो अपने आउटकम से, अपने मैनिफेस्टेड गोल से. एट द सेम टाइम आप कहते हो कि अफर्मेशन करो, उसके लिए सोचो, उसके लिए विजुअलाइज करो. तो ऐसा क्यों? तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट के चार पॉइंट्स हैं आपको समझाने के लिए. नंबर वन इज अवेयरनेस. अवेयरनेस कॉन्शियसली ये रखो कि डिटैचमेंट करने से, डिटैचमेंट रखने से का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने डिज़ायर को भूल गई हूँ या मैंने अपने डिज़ायर को पाने के लिए गिव अप कर दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. द ओनली थिंग डिटैचमेंट वी आर डूइंग बिकॉज हम लोग अपने गोल के मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट के पीछे इतना ऑब्सेसिवली फोकस हो जाते हैं कि हमारी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है और हमको अपनी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं करनी. और हमेशा डेस्पिरेशन वाली एनर्जी एक क्लाउड, एक हमारी क्लैरिटी को ख़त्म कर देती है. डेस्परेशन वाली एनर्जी हमारी क्लैरिटी ख़त्म कर देती है हमारे गोल की तरफ. सो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. अपने माइंड को क्लियर रखो कि यस, मैं अपने गोल से हट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं पागलों की तरह उसके पीछे पड़ नहीं रही हूँ, मैं डेस्परेट नहीं हो रही. पॉइंट नंबर टू इज मेकिंग रूम. मेकिंग रूम का मतलब क्या है? आपने अपने डिज़ायर सोच ली, प्लान कर ली, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दी. उसके बाद गिव स्पेस टू द यूनिवर्स टू वर्क ऑन योर दोज डिज़ायर्स. टाइम दो और ट्रस्ट दो, वो आराम से करेंगे. आपने बता दिया, अब उसके पास चिपक मत जाओ उसके साथ, अपने काम करो. ठीक है? कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, या हम जो मांग रहे हैं शायद वो हमारे लिए नहीं अच्छा, लेकिन हम अभी अपनी बुद्धि और अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो डिज़ायर मांग रहे हैं. सो लीव अ रूम. रूम मतलब मेकिंग अ रूम फॉर योर डिज़ायर का मतलब ये हो जाएगा कि आपने अपनी डिज़ायर रख दी है. इट इज़ फाइन. आप मेकिंग द रूम का मतलब ये हो जाता है कि आपने अपनी डिज़ायर सामने रख दी है, सरेंडर कर दिया है, रिलैक्स हो गई हो, और एट द सेम टाइम यू हैव मेड अ स्पेस इनसाइड और फॉर योर मैनिफेस्टेशन की यूनिवर्स. हो सकता है जो मैं मांग रही हूँ शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे अभी यही अच्छा लग रहा है, बट आई लीव ऑन यू, I have that space, I have that acceptance. और मैं खुले मन से accept भी करती हूँ और enough of space mentally मैंने prepare किया हुआ है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे मिले, क्योंकि हो सकता है जो मैं मांग रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा ना हो. So that is called making a room. तो अगर हम desperation वाले मोड से आ जाते हैं और हम चिपक अटैच हो जाते हैं तो हमको फिर वही चाहिए, है ना. वी आर नॉट गिविंग ओपन स्पेस, वी आर नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस, क्योंकि यूनिवर्स या हायर सेल्फ या भगवान जी, दे नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. इसलिए डेस्परेट होके हमें फोर्स नहीं करना कि ये करना ही करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट दो मुझे. तो ये डेस्परेशन हो गई, आपकी पूरी एनर्जी वहाँ लगी हुई है, आपका फोकस पूरा वहाँ लगा हुआ है, आप कुछ और कर नहीं पा रहे हो, आप उस फोकस और उस डेस्परेशन के और अटैचमेंट के चक्कर में आपके अंदर फियर आ रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, तो घूम फिर के आप अपना ही बुरा कर रहे हो, अपने लिए ही खराब चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो. इसलिए रिलैक्स हो जाओ, फीलिंग रखो अवेयरनेस के साथ कि मैं डिटैच नहीं हो रही हूँ, मतलब मैं इसके पीछे नहीं पड़ रही हूँ. एट द सेम टाइम मैंने अपनी इच्छा सामने रख दी है विद द फुल स्कोप एंड विद फुल एक्सेप्टेंस की, अगर जो मेरे लिए अच्छा है वो हो, मैं आपको पूरा स्पेस और टाइम देती हूँ और आपको सरेंडर करती हूँ. ये है पॉइंट नंबर टू, मेकिंग रूम का मतलब. थर्ड पॉइंट है समझने का, लेटिंग गो. लेटिंग गो का मतलब क्या है जो सरेंडर करना था? लेटिंग गो का मतलब ये है, हमने अपनी डिज़ायर रख दी, हमने अपनी डिज़ायर के लिए काम किया, हमने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, अब हम रिलैक्स होते हैं और अपना काम करते हैं. जहन में है देयर इज़ अ डिज़ायर विच इज़ कमिंग आउट, अबाउट टू कम बिकम फुलफिल्ड. एट द सेम टाइम मैंने रिलैक्स कर दिया, क्योंकि अगर मैं लेटिंग गो नहीं करती हूँ तो मेरी अटैचमेंट रहती है, मेरी फियर हमेशा रहेगा, एनजाइटी हमेशा रहेगी. जब भी हम अपने किसी गोल के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, हम क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उस गोल के लिए ना, तो हम चेज वाली फीलिंग दे रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द स्पेस ऑफ फियर और फ्रॉम द स्पेस ऑफ एंजाइटी, डर वाली फीलिंग से हम कर रहे हैं. सो डर, फियर, स्केर्सिटी, कमी, लैक ऑफ, वो उस वाली फीलिंग से हम जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव तो मैनिफेस्ट नहीं होगी ना, क्योंकि फियर, लैक और स्केर्सिटी तो नेगेटिव वाइब्रेशन है. पॉइंट नंबर फोर इज स्टे ग्राउंडेड. अवेयरनेस है, हमने स्पेस बनाई है,
हमने लेट गो कर दिया है, अब हम ग्राउंडेड रहेंगे। ग्राउंडेड रहने का मतलब है मुझे ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है, मैंने जो भी अपनी विश रखी है वो अपने राइट टाइम पे पूरी होगी, राइट तरीके से पूरी होगी, क्योंकि शायद मेरा तरीका रॉन्ग है या शायद मेरी डिज़ायर मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ट्रस्ट करके रिलैक्स होके कॉन्फिडेंट के साथ विश्वास के साथ रिलैक्स होके बैठती हूँ, ये मेरा ग्राउंडेड है। सो लॉ ऑफ डिटैचमेंट मैंने समझाया इन चार पॉइंट्स के अंदर। अभी भी इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताना, बट आई स्टिल फील ये ईजीएस्ट वे है और ये हमें डर निकालना ही है, बिकॉज जाने अनजाने हम अपनी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव की जगह पे डर, फियर, एंजाइटी, घबराहट, लैक, स्केर्सिटी हम ये अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। इसलिए समझो, समझ के करो, इमीडिएटली रिजल्ट्स आएंगे, आई अश्योर यू, बिकॉज नियम है, नियम इज़ बाउंड टू गिव द रिजल्ट, बस हमको उस तरीके पे, उसके पाथ पे चलना है और अलाइन होना है, अलाइन होते जाएंगे रिजल्ट आते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और डिटेल वीडियोज़ लेके आती हूँ जल्दी ही, थैंक यू सो मच, आई लव यू।